Assalamu alaikum, welcome to you my YouTube channel. I hope you are doing well. Today I want to explain very better talks and very better hadith. So please, I humbly request it, if you first visit my YouTube channel, तो प्लीज़ स्टे एंड उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो कंडली आपसे गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से मुराद ये है कि आपको जो भी मेरी डेली की वीडियो होगी आपको रिसीव हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद पाक जैसे अल्लाहु अन्ना सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहुआ अहलुहु। इस ज़िंदगी में उस ज़िंदगी की तैयारी कीजिए, इस ज़िंदगी में उस ज़िंदगी की तैयारी कीजिए। इस ज़िंदगी से मुराद ये दुनिया है, ठीक है। इस दुनिया में उस ज़िंदगी से मुराद आखरत है, आखरत की तैयारी कीजिए, ठीक है। दुरूद पाक पढ़ते जाएँ, दुरूद पाक पढ़ते जाएं, दुरूद पाक पढ़वाते जाएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे यार आपको सवाब मिलेगा भाई। ज़िंदगी में हम तो सौ पैसे कमा लेते हैं, सवाब भी कमाया करें, ठीक है ना। आपसे ये गुजारिश, तहज्जुद की एक दुआ सारी ज़िंदगी बदल देती है भाई, 100% ये बात सच है, ठीक है। सबसे पहले यही है कि इंसान को कुछ भी चाहिए दुनिया भाई, आओ रुपये पैसे सोना चांदी जो मर्जी माल पाए माल यार, सही है। आपके लिए तहज्जुद की दुआ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक आम इंसान इतना ख़ास इंसान बन जाता है कि दुनिया को पता ही नहीं होता है भाई। फिर एक दफ़ा फिर आपका नाम जब भी लिया जाता है, फलां वाला बंदा कहता है वाकई भाई वाह, सच में उस बंदे में ये कैटेगरी मौजूद है। ये क्यों है भाई? यही है कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करें। सबसे अफसल जो अमल है मेरी नज़र में तहज्जुद की नमाज़ ही है, ठीक है। बाकी उससे अलावा बहुत से ऐसे अमल भी हैं जो आपकी नज़र में इखलाक है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इखलाक का तराज होना चाहिए इंसान का बोलने का तरीका। सारी जिंदगियों में जिंदगी लभी, फिर जिंदगी चल गई, पता नहीं लगा बंदे नो। शाह हस्ते हुसैन बादशाह हस्ते हुसैन, शाह भी हुसैन है बादशाह भी हुसैन है। दीने हस्ते हुसैन दीने पनाह हस्ते हुसैन, दीन भी हुसैन है दीन को पनाह देने वाला भी हुसैन है। सरदाद नदौद दस्त दर्द हस्त यजीद, सर दे दिया मगर नहीं दिया अपना हाथ यजीद के हाथ में। हक्का के बनाए ला इलाहा हस्ते हुसैन, हकीकत तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु की बुनियादी हुसैन है और हुसैन के नाम पे ही दुनिया है, ठीक है। ये चीज़ है कि यहाँ पे जो भी अल्फाज हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अल्फाज हैं शेर दा, जैसे सरदाद नदाद दस्त दर्द हस्ते हुसैन। अपनी मुसीबतों को छुपाओ अल्लाह के कुर्ब हासिल होगा, ये बात है अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, ठीक है। अपनी मुसीबतों को छुपाओ, उन्हें से मुराद ये है कि आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाती है, ठीक है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बग़ैर मुसीबत के, ठीक है। चाहे वो रुपये वाला है, चाहे जो मर्ज़ी है, गरीब है अमीर है, जो मर्ज़ी है, ठीक है, मुसीबत उस पर आती है। तो यही है उसके लिए कि अपनी मुसीबत को छुपाओ अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। अल्लाह का कुर्ब हासिल कैसे होगा? कि जो भी मुसीबत आपको आनी है, ठीक है, या आई हुई है, मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आपको कोई मुसीबत ना दे, ठीक है। ऐसा टाइम ना इंसान को दिखाए जो बहुत ही परेशानी वाला हो, लेकिन जब भी कोई परेशानी आ जाए उस परेशानी को ओनली अल्लाह पाक को बताया करें, इसके अलावा कोई इंसान की मदद नहीं कर सकता, ठीक है। तो नेक लोग कहते हैं ना, नेक काम करने का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आपको ये वही फ़ायदा बताने लगा हूँ, सही है। नेक अमाल के पांच असरात हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हैं। नेक अमल की वजह से चेहरे पर रौनक आती है, नंबर वन। नंबर टू, दिल में नूर पैदा होता है। नंबर थ्री, बदन में ताकत कुव्वत आती है। नंबर फोर,
रिज़क में कुशादगी होती है। नंबर 5, मखलूक के दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। ठीक है, ये फ़ायदा होता है इन चीज़ों का। आप तो ये कह देते हैं नेकी का फ़ायदा ही कोई नहीं होता, सही है। तो ये फ़ायदे होते हैं भाई। लगा के तो देखे दुनिया से दिल आप लगा के बैठे हुए हैं, आप अल्लाह से तो दिल लगाए ना, फिर देखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और लाइक अगर कर दिया तो वीडियो को शेयर किया करें। अच्छी बात जो बंदा शेयर करता है, ठीक है, उसको भी नेकी है, जो बोर आता है उसको भी नेकी है। तो नेक काम किया करें ताकि आपकी ज़िंदगी भी आसान हो, आपकी मुश्किलें भी आसान हो। तो उम्मीद यही है कि आप खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको तरक्की दे, ठीक है। अगर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मेरी कमेंट चैनल पे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आप टाइटल बता सकते हैं किस टाइटल पे आपको वीडियो चाहिए। अगर आप अपनी पिक्चर भी वीडियो के अंदर लगवाना चाहते हैं वो भी मैं लगा दूँगा। टेक केयर एवरी टाइम, अल्लाह हाफिज़।